सो ही व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं डायमंड 2 के बंदे के साथ। और गाइज, इसमें जो लास्ट ओवर होने वाला है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एक्सेप्शन की जो ओवर होने वाली है ना, एकदम कमाल की होगी, जो मैच की टर्निंग पॉइंट है। तो चलो गाइज, यहाँ पे अपोनेंट करेगा टॉस और जीता कौन है देखने वाली बात है। पहली यहाँ पे टॉस हुई है और टॉस कहीं ना कहीं जीत चुके हैं हम, और करेंगे सबसे पहले बल्लेबाजी। बिल्कुल, क्योंकि हम भाई सोच रहे थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर दे ताकि दिक्कतें ना आए। चलो गाइज, यहाँ पे हमारे दो बल्लेबाज आ चुके हैं। गाइज थोड़ी सी अभी आवाज़ ख़राब चल रही है फिलहाल। पहला ओवर करने वाले रिचर्डसन, इनके को टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके पास पेस जो होता है ना बहुत ही अधिक होता है। फिलहाल यहाँ पे चौका मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, इसमें पैरों पे बॉल है और पैरों पे बॉल है तो बाहर जाएगी। देख लो, टाइमिंग करना इसको बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई इसकी जो बॉल होती है ना उसकी पेस बहुत अधिक है। इस बार वाइड लेंथ पे बॉल और शॉट हमने कमाल के खेली थी। मुझे लगा इस लोअर वंस डालेगा लेकिन स्ट्रेट बॉल थी और थोड़ी सी लेट हो गए हम। फिर से वाइड यॉर्कर और फिर से शॉट, थोड़ा सा अर्ली नहीं बल्कि बहुत अर्ली खेल बैठे और उसी की वजह से पीछे का जो फील्डर था वो कैच पकड़ लिया एक। अब गाइस यहाँ पे पांचवी गेंद, शॉट तो कमाल का है भाई, टाइमिंग हम नहीं दे पा रहे हैं शॉट में। हालांकि जब तक गेंद थ्रो होगी यहाँ पे दो रन लेने का मौका है और पूरा करेंगे। आखिरी बॉल इस ओवर की कमाल का है शॉट खेला, पोजीशन की वजह से यहाँ पे चौका मिला है। अगर भाई इस तरह से हम खेले होते तो अगर पोजीशन नहीं किए होते तो विकेट मिलता। हालांकि यहाँ पे बढ़िया शॉट खेला है, जब तक गेंद थ्रो होगी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। और गाइस अगली बॉल देखते हैं, शॉट देख लो, अजब लेवल की गजब पोजीशन और शानदार शॉट, क्या जबरदस्त हिटिंग करी है भाई। अगली बॉल और ये देखो भैया, इसको बिल्कुल मैं शॉट खेलते टाइम नियंत्रण में नहीं था, हालांकि फिर भी हमने रन लगा दिया। चलो गाइस अगली बॉल और ये देखो 125 सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, अच्छे तरीके से खेला हुआ जबरदस्त शॉट। इस बार यहाँ पे ये देखो भाई, इसको बॉल दे दिया एम्पायर। एक बार भाई बताना किस नियम से इसको बॉल दिया है भाई, ये कैसे यार RC24, मतलब इतने भाई गद्दारी कैसे हो सकते हैं भाई। इसको वो देखो, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है, बॉल दिया था, डॉट हुआ था भाई। एक अलग लेवल की ये देखो भाई फील्डिंग देखो इसकी, भाई हर लेवल की तगड़ी हो चुकी है। मेरे फील्डर भाई एकदम गजे फूक के बैठे रहते हैं, सिंपल अगर उनको कैच दे दिया जाए तो भाई ड्रॉप कर देंगे, चाहे वो पहला ओवर हो चाहे वो लास्ट ओवर हो। ये शॉट देखो, स्लीपर, मुझे लगा लेग स्पिन करेगा यार लेकिन स्लीपर थी ये। चलो गाइस अगली बॉल, क्या लेग स्पिन या स्लीपर, यहाँ पे स्लीपर बॉल गई यहाँ पे फील्डर के पास, जब तक एंट्रो होगी हमारा एक विकेट नुकसान होगा रन आउट के रूप में और तीसरा विकेट हमारा गिर चुका है महज 41 रनों की स्कोर पे। अगला बॉल बड़ा हिट की कोशिश, टाइमिंग अच्छी नहीं लेकिन दो रन यहाँ पे आसानी से मिलेगा और 43 रन हम स्कोर कर चुके हैं 3 ओवर में। अब यहाँ पे तन्वीर आए हैं करने चौथा ओवर और इस बार बहुत ही स्लोअर भाई, इनके पास स्लोअर और स्ट्रेट की कॉम्बो है जिसका इस्तेमाल अपोनेंट अच्छे तरीके से कर रहा है। तो भाई स्लोअर स्ट्रेट की इस्तेमाल करना भी चाहिए अच्छे तरीके से। फील्डर चेंज करी थी और वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से 163 नंबर का शॉट खेल के चौका निकाल दिया। चलो गाइस इस बार ये बड़ा हिट की कोशिश, गोल शॉट थी, टाइमिंग नहीं हो पाया क्योंकि स्लोअर और स्ट्रेट को खेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक चीज टाइमिंग के ऊपर होती है। ये देखो शॉट, आखिरकार एक भी गलती तो आप नहीं कर सकते हो, अच्छे करोगे तो बचोगे लेकिन यहाँ पे गलती कर दी आप, फुल पेस में कर दी पैरों पे बॉल। और इस बार देखो शॉट, देखो भैया अच्छे तरीके से खेला है लेकिन एज लग गया, जब तक गेंद थ्रो होगी हम जल्दी के चक्कर में दूसरा रन कैंसिल कर दिए वरना विकेट मिल जाता। अगला बॉल, क्या ही बॉल कर रहा है भाई, स्पिनर से भी धीमी गेंदबाजी करता है हैंगर कर। ये हिट बड़ा था लेकिन आया नहीं अच्छे तरीके से बैट पे और यहाँ पे विकेट मिलेगा और 60 रन मैच 59 रन हमें स्कोर कर पाए क्योंकि भाई खेलना बिल्कुल भी छूट चुका है यार, उतने अच्छे से हो नहीं रहा है। देखो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो ठीक है लेकिन दिक्कत ये नहीं भाई कि प्रैक्टिस करने की टाइम ही नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका है ना भाई, क्या ही बोला जाए। अब देखते हैं अगली बॉल यहाँ पे, हालांकि गाइस 60 रन कोई छोटा स्कोर नहीं है, बेशक मुंबई है, अगर अच्छी बॉलिंग हो तो भाई कोई भी स्कोर बड़ा छोटा नहीं है और अगर अच्छी बैटिंग हो तो कोई भी स्कोर बड़ा नहीं है। चलो गाइस यहाँ पे अच्छे तरीके से खेला अपोनेंट ने 156 जो कि ऑफ स्पिनर के लिए बहुत ही अच्छा शॉट है। हालांकि गाइस जब तक यहाँ पे अपोनेंट अच्छा शॉट नहीं खेलेगा हम फील्ड चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट खेला है और भाई हमें मजबूरी में फील्ड को चेंज करनी ही पड़ेगी और इस बार हम ट्राई करने वाले इस फील्ड पर कैरम बॉल फुल पेस में, क्या खेलेगा शॉट। ओहो हो भाई 156 जिंदाबाद, यहाँ पे मार दिया चौका, बहुत शानदार शॉट। अभी भी गाइज बॉल बची है पावर प्ले की, पहले ओवर की 3 गेंदे,
कहीं ना कहीं किफ़ायती सब, इस पर बहुत अच्छा गेंद, अपोनेंट की शॉट बहुत ही गलत। इस शॉट को खेलने के लिए आपको अच्छे से अच्छा पोजीशन करना पड़ता है। कैरम बॉल और शॉट कैसे खेलेगा अपोनेंट देखने वाली बात होगी। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, अपोनेंट को लगा दूसरा बॉल थी लेकिन बॉल थी कैरम। अब गाइस यहाँ पे सीन विलन्स हैं जो भाई इनकी भाई जो सीन क्रिएट कर रहे हैं ना भाई, किस तरह की सीन क्रिएट करेंगे देखने वाली बात होगी। कैरम बॉल की शुरुआत करेंगे यहाँ पे मलान के सामने, पहली बॉल पे अच्छा तरीके से खेला जरूरी है लेकिन जब तक गेंद थ्रो होगी हमारे फील्डर साहब सुपरमैन बनेंगे और गेंद को जब तक थ्रो करेंगे 3 रन अपोनेंट आसानी से पूरा करेगा। अगर कंट्रोल रहता फील्डर के क्या बोलते हैं बैट्समैन टीम के पास तो 4 रन भी आसानी से पूरे हो जाते। अब गाइस ये शॉट देखो, दूसरा गेंद पे क्या गजब की गेसिंग करी थी और चौका निकाल दिया। हालांकि गाइस अब हम गलतियां नहीं करने वाले हैं, इस बार गाइस हम एक और दूसरा करेंगे ताकि अपोनेंट थोड़ा सा परेशान हो जाए। लेकिन भैया परेशान तो होना ही है, बिल्कुल होगा। पावर प्ले में बस हमने 21 रन दी है और कहीं ना कहीं जो दूसरा ओवर विलियम्स का था वो बहुत ही किफ़ायती साबित हुआ। अब आए हैं यहाँ पे तस्किन अहमद, और तस्किन को भाई बॉलिंग करना पड़ेगा बहुत ही ज़बरदस्त, तब जाके भाई इस मैच में अपनी थोड़ी सी पकड़ हो पाएगी। पहली गेंद के साथ शुरुआत बहुत अच्छी, गेंद वन। तस्किन के पास भाई गति बहुत ही अधिक है भाई, तस्किन इसी के लिए जाने जाते हैं और स्विंग गेंद इनके बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर आप पावर प्ले के बाद इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही डेंजरस साबित होंगे। अब हम आउट स्विंग करने वाले हैं फुल पेस में, अपोनेंट ए शॉट खेला है, टाइमिंग अच्छी नहीं हुई थी। अगर फील्डर रहता सामने, अच्छा फील्डिंग सेट रहता सामने की तरफ तो ये विकेट मिल जाता। इस बार गाइज हमारी तरफ से जो है वो फास्ट मीडियम गेंदबाज आए हैं, मीडियम फास्ट सॉरी गाइज, और यहाँ पे पहली बॉल करेंगे स्लोअर, और स्लोअर में अपोनेंट भैया बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन नहीं कर पाया। एक स्टेप बैक जाके इस शॉट को खेलता तो शायद चौका मिलता या फिर कैच भी हो सकता था। अगली बॉल स्लोअर वन ही होने वाली है और शॉट देख लो भैया 223। ये शॉट अगर आप नहीं रखे हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार रख लो, इसकी रेंज भी सही है और शॉट तो भाई कमाल का है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन फिर से सेम शॉट खेला है, गैप को अच्छे तरीके से दूर रहा है और चौका निकाला। आखिरी बॉल चौथे ओवर की, इस बार बड़ा हिट करने की कोशिश लेकिन फील्डर है पीछे, गेंद थ्रो करेंगे तब तक भाई बस यहाँ पे दूसरा रन नहीं कम्प्लीट होगा। 43 रन बने हैं आखिरी के 6 बॉलों में, अपोनेंट को स्कोर करने हैं 17 रन। यार इनकी गाइस 17 रन अपोनेंट स्कोर करेगा फिर मैच को जीतेगा, 16 रन करके मैच को ड्रॉ करवा सकता है। पहली गेंद हम फ्लीपर करेंगे और पहली गेंद फ्लीपर, देखो भाई तारों के शहर में बिल्कुल भैया कमाल तरीके से हिट करी है, 5 में 11, लगभग मैच पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगली बॉल और भैया ओहो कॉमबैक अच्छी, पीछे थे फील्डर और हाथ में सीधे गए हैं और मिल गया यहाँ पे विकेट। क्या यहाँ पे विलियम्स सॉरी गाइज यहाँ पे स्वेप्सन कर पाएंगे कुछ, देखने वाली बात होगी। इस यहाँ पे लेग स्पिन फुल पेस में बड़ा हिट की कोशिश, फिर से भैया सामने हाथ में, एक बढ़िया शॉट जरूर आया था लेकिन उसके बाद 2 गेंदों में अच्छी वापसी। अब प्रेशर अपोनेंट के ऊपर क्योंकि 3 बॉलों में भाई 11 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फिर से वही शॉट, टाइमिंग ही नहीं कर पा रहा अपोनेंट तो क्या ही कर सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे एक और विकेट, हैट्रिक विकेट कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि चौथी बॉल हम देखते हैं क्या होता है, लगातार 3 विकेट, पहला बॉल पे छक्का, दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, चौथा विकेट और 5वां बॉल पे देखते हैं एक और विकेट, बिल्कुल एक और शानदार विकेट। लगातार 4 बॉलों में स्वेप्सन ने जो मैच को टर्न किया है ना अलग लेवल का। 5वीं बॉल क्या एक और विकेट लेकर के भाई 5 विकेट लेंगे, ये 5 बॉल में देखने वाली। ओ बड़ी हिट लेकिन सीधे जाके भाई पैर से टकराई, लेकिन जब तक गेंद थ्रो होगी विकेट कीपर मौजूद नहीं है तो ओवर थ्रो का 1 रन मिलेगा। लेकिन 2 रन की कोशिश, 3 रन की कोशिश किया था और यहाँ पे डायरेक्ट हिट लग गई और इसी के साथ अपोनेंट की 1 विकेट गिरता हुआ। लेकिन गाइस हम इस मैच को 8 रनों से जीतने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतने भाई फीवर होने के बाद भी आप लोगों को एंटरटेन करने की थोड़ी सी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।